रुख करेंगे खबरों की ओर। ट्रेड यूनियन कर्मचारी संघ की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो गई है। किसान विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और छत्तीसगढ़ में हड़ताल का असर साफ देखा जा रहा है। परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहाँ ट्रेड यूनियन कर्मचारी संघ की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। किसान विरोधी नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में हड़ताल का साफ असर देखा जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट करना चाहती है, शेयर बाजार में बेचना चाह रही है? अजी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून और श्रम कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल ट्रेड यूनियन द्वारा आयोजित की गई थी, इसका साफ असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित बीमा ऑफिस में, जहां पर आप देख सकते हैं दफ्तर में किस तरीके पे यहाँ पर कर्मचारी जो है पूरी तरीके से एक सुबह से बाहर निकले हुए और यहाँ पर एक प्रदर्शन को बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या पर जो एकत्रित हो चुके हैं इस वक्त यहाँ पर कर्मचारी, और भी आने वाले समय पर कर्मचारी यहां से आने वाले, एक जंगी ऐलान इसे हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन द्वारा जो राजधानी रायपुर जिले भर में कम से कम एक दर्जन से अधिक स्थानों पर ये देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। तमाम मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर इस वक्त जंगी प्रदर्शन पर उतर चुके हैं ट्रेड यूनियन द्वारा। और देश भर में आपको बताना चाहूंगा कि 30 करोड़ से अधिक लोग इस देशव्यापी हड़ताल पर भाग ले रहे हैं। कल रात 12 बजे से ये हड़ताल शुरू हो चुकी है और अलग अलग स्थानों पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी उतर के, चाहे वो श्रम कानून के खिलाफ हो, चाहे वो कृषि कानून के खिलाफ हो, और तमाम ऐसी मांगे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार द्वारा तमाम यहाँ पर जो पॉलिसीज लाई गई है ये एक तरीके से थोपने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर निजीकरण किया जा रहा है तमाम चीजों का यहाँ पर, और जो भेदभाव किया जा रहा है केंद्र और राज्य द्वारा ये साफ रूप से गलत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर तमाम प्रतिनिधि यूनियन के, हमारे साथ धर्मराज महापात्रा जी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं और किस तरीके का ये प्रदर्शन रहने वाला है केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए, आज जो है पूरे देश में मजदूर और किसान, ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ये अभूतपूर्व कार्रवाई हो रही है। सरकार के तारे प्रतिबंधों के बावजूद, सारे दमन चक्र की कोशिशों के बावजूद 30 करोड़ से ज़्यादा भारत के मजदूर और किसान वो सड़कों पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि देश में जो लंबे संघर्षों के बाद इस देश में मजदूरों को अधिकार हासिल हुआ था, देश में जो श्रम कानून बनाया था, इस सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में वो श्रम कानून में बदलाव कर दिया। ये सरकार निश्चित अवधि के रोजगार को खत्म करके उसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में बदल रही है। 8 घंटे के काम के अधिकार को समाप्त करके मालिकों की रहम करम पर जो है मजदूरों को सौंपने की कोशिश कर रही है। जो न्यूनतम वेतन अधिनियम था, बोनस एक्ट था, ठेका श्रमिक उन्मूलन अधिनियम था, सारे अधिनियम में बदलाव कर दिया उन्होंने और उसे वेज कोड माने संहिता के रूप में तब्दील कर दिया। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पार्लियामेंट का जो बहुमत का उन्होंने दुरुपयोग करके जनता के भारी विरोध और मजदूरों के भारी विरोध की परवाह किए बिना उन्होंने संसद में ये बिल पारित किया। ठीक उसी तरीके से किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार था उसे समाप्त करने के लिए और कॉरपोरेट खेती को इजाजत देने के लिए, देश की खेती को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए उन्होंने किसान कानून में बदलाव कर दिया। जो अत्यावश्यक सेवा कानून में उन्होंने संशोधन किया, उसके जरिए जितने फूड आइटम्स हैं, चाहे वो आपके चावल, दाल, गेहूं, चीनी, जो कुछ भी जीवन के लिए अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तुएं हैं, उनको जो है उन्होंने उस कानून के दायरे से बाहर कर दिया और पूरी तौर पर जो डंपिंग पर प्रतिबंध था, ताकि जो है बाजार में चीजों की मांगों में बढ़ोतरी होने पर कोई उछाल पैदा ना हो, उसके लिए भी कॉरपोरेट को उन्होंने इजाजत दे दिया। ये सरकार आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, लोकल फॉर वोकल के नाम पर देश में एनमास प्राइवेटाइजेशन कर रही है। कभी आप सोच सकते हैं, जो सरकार राष्ट्रभक्ति का नारा उछालती है, राष्ट्रवाद का नारा उछालती है, छद्म राष्ट्रवाद के जरिए लोगों के अंदर एक छद्म उभार पैदा करती है, देश के रक्षा संसाधनों का निजीकरण हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूंजी को इजाजत दी जा रही है, इंश्योरेंस के अंदर LIC वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने 56 से लेकर अब तक भारत सरकार को केवल पिछले वित्तीय पंचवर्षीय योजना में 14.5 लाख करोड़ रुपया दिया, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि LIC का देश के अधोसंरचना के विकास के लिए निवेश किया गया है। जब भी भारत सरकार को कोई संकट होता है, वो पब्लिक सेक्टर LIC है,
जो भारत सरकार को मदद करती है। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो सरकार ने जितना उधार लिया उसका 25% जो है केवल एक इंस्टीट्यूशन दे, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है LIC, उसमें IPO जारी करके उसको शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके वो LIC की आज जो मिल्कियत है, जिसके मालिक है देश के बीमा धारक, क्योंकि LIC का जो भी मुनाफा है, लाभांश है, उसका वितरण 95% और 5% में होता है। हम 5% डिविडेंड भारत सरकार को देते हैं, 95% रिटर्न हम बोनस के रूप में बीमा धारकों को देते हैं, और 95% शेयर होल्डर बीमा धारक हैं जिनकी तादाद 40 करोड़ है। UN मतलब दुनिया में जो संयुक्त राष्ट्र ने देशों की सूची जारी की है उसकी आबादी के हिसाब से देखा जाए तो चीन और भारत की आबादी के बाद सबसे बड़ी आबादी है भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी होल्डर्स। और आज ये सरकार LIC को शेयर मार्केट में ले जाकर सूचीबद्ध करके इसको भी निजीकरण के रास्ते पर ढकेल रही है। बैंक, बीमा, सेल, कोल, भेल, एयर इंडिया सारे पब्लिक सेक्टर को बेच रही, तो आत्मनिर्भरता कहां से रहेगी? आत्मनिर्भरता की बुनियाद है देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण। मोदी सरकार इस देश को कोरोना आपदा के समय आपदा को अवसर में बदलने का जो उन्होंने नारा दिया, वो आपदा में अवसर में बदलने के नारे के पीछे ये है कि देश की संपत्ति को केवल अदानी अंबानी के हवाले कर दो। हम ये कहना चाहते हैं भारत के मजदूर और किसान, ये श्रम कानून में जो बदलाव आपने अदानी अंबानी और देश के कॉरपोरेट के दबाव में किया है, हमें मंजूर नहीं है, ये आपको वापस लेना पड़ेगा। देश की खेती को जो आपने निजी हाथों में बेचने का फैसला किया है, हमें वो मंजूर नहीं है, ये आपको वापस लेना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ धर्मराज महापात्र जी, जिनका साफ तौर पर विरोध दिख रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। रश के जी, और आप देख सकते हैं कि ये शुरुआती समय है केवल हड़ताल का, और आने वाले समय फोकस है वो यहाँ पर निजीकरण को लेकर साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। और कब तक ये जो हड़ताल है यूं ही जारी रहने वाली है? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोरोना का भी जिक्र किया, तो कोरोना का असर भारत में काफी ज्यादा देखा जा रहा है, तो क्या उसको लेकर भी गाइडलाइन का पालन हो रहा है यहाँ? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से फिलहाल ये हड़ताल तो आज एक दिवसीय रखी गई है, जो कल रात 12 बजे से शुरू हुई है और आज रात 12 बजे तक रहने वाली है। लेकिन इस एक दिवसीय हड़ताल में काफी बड़ा यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है, और राजधानी रायपुर पर अलग अलग तमाम जगहों पर यहाँ पर विरोध दर्ज किया जा रहा है। और जिस तरीके से भारत में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, बड़ी बढ़ती संख्या पर, हर रोज 50,000 की संख्या पर देश भर में कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा रही है, तो निश्चित ही यहाँ पर गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक छोटा सा नजारा कि यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर भी रखा गया है यहाँ पर हड़ताल पर। तो निश्चित ही रूप से जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, वहां इसका भी इस चीज का पालन किया जा रहा है। सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बड़ी संख्या पर यहाँ पर लोग लोगों में देखी जा रही है निजीकरण को लेकर और सारी जो मांगे हैं। अगर जिम्मेदारों की बात की जाए तो क्या किसी जिम्मेदार ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल, देखिए इस केंद्र सरकार द्वारा जो तमाम पॉलिसीज लाई गई हैं, इसका विरोध तो देखने को मिल ही रहा है, और काफी ज्यादा बड़ी तादाद पर नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन बात की जाए अगर जिम्मेदारों की, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस जो सरकार पर है, और वो इस वक्त इस ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन को समर्थन करते हुए नजर आ रही है। पूर्व में भी जितने यहाँ पर प्रदर्शन किए गए हैं उसमें भी कांग्रेस द्वारा इन्हें समर्थन दिया गया है। तो जो जिम्मेदार हैं वे तो लगातार केंद्र सरकार को इस चीज को संज्ञान में डाल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिख करके इस चीज को उनके संज्ञान में डाल रहे हैं, और लगातार तमाम ऐसे जो चीजें हैं जिनके विरोध करते हुए, चाहे वो पैदल मार्च हो चाहे मशाल यात्रा हो, तो इन तमाम चीजों को करते हुए केंद्र सरकार के संज्ञान में इस विरोध को तो डाला जा रहा है, इन परेशानियों को कर्मचारियों की डाली जा रही है। लेकिन अब क्या निर्णय होता है ये तो आने वाले समय पर केंद्र सरकार के ही उसमें रहेगा कि वो क्या निर्णय लेकर के आते हैं सामने। चलिए शिवम, यहाँ पर राज्य सरकार की भी काफी हद तक मदद मिल रही है, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि कितनी मांगे इनकी पूरी होती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, वापस आऊंगी आपके पास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और